हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजी ड्राफ एस लोशन के बारे में। इस सॉल्यूशन के फ़ायदे जानेंगे, इसके नुकसान जानेंगे और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिन इस्तेमाल करना होता है, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, लॉजी ड्राफ एस सॉल्यूशन आता है कनिक्जा लाइफ साइंस कंपनी का और इसमें सॉल्ट होता है कोल्टार एंड सैलिसाइलिक एसिड स्काल्प सॉल्यूशन। और इसका जो MRP है, सॉरी दोस्तों मेरे पास इसका पूरा बॉक्स तो कार्टून तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका तकरीबन MRP होता है 400 से 500 तक इसका MRP होता है और ये 100 ml की पैकिंग में मिलेगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं इसके उपयोग की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस सॉल्यूशन का उपयोग सिर में पुरानी से पुरानी डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, छाल रोग, सोरासिस की प्रॉब्लम, सिर में खुजलीदार लाल पपड़ी वाले लाल चकत्ते, डर्माटाइटिस की प्रॉब्लम, डैंड्रफ, एक्जिमा, पूरे सिर में खुजली होना और सिर में फंगल इन्फेक्शन होना और पसीने की वजह से छोटी छोटी फिंसियाँ होना और उनमें खुजली होना, सिर में रूखापन आना जिसकी वजह से खुजली होती है, और सिर में फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद खाज खुजली भी, उसको भी ठीक करता है ये। तो दोस्तों, इसे जो लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। इसे लगाने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको कि इसे लगाना कैसे है। पहले बालों को गीला कर लीजिए, सिर को गीला कर लीजिए अच्छे से, फिर इसे अच्छी तरह से जड़ों में लगाइए। इस सॉल्यूशन को उंगलियों की मदद से इसे लगा मसाज करिए थोड़ी देर, 1 या 2 मिनट, ठीक है, 2-3 मिनट। और फिर इसे करना क्या है कि 5 या 10 मिनट तक छोड़ देना है। ऐसे ही छोड़ने के बाद जब ये अच्छे से मतलब जड़ों तक पहुंच जाए, उसमें काम कर लेगा ये अपना पूरा, फिर 5-10 मिनट बाद साफ़ पानी से धो लेना है। ऐसा आपने रोज़ करना है और जैसे आपको डॉक्टर बताए उसी वैसे ही करना है। अगर वो 2 टाइम बताएं तो 2 टाइम ही इसे लगाइएगा, नहीं तो 1 टाइम लगाइएगा, ठीक है। इसे रेगुलर यूज़ करना है जब तक कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती है। इसमें दोस्तों सैलिसाइलिक एसिड होता है जो कि ज़्यादा दिन तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्किन के ऊपर, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो जितने दिन आपको डॉक्टर बताए उतने दिन ही इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों, इसके वैसे कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते हैं, फिर भी दोस्तों पहले तो एक बात बताना चाहूँगा कि आप इसे जब भी लगाइए तो अच्छे संभाल कर लगाइए। इसे आँखों में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अगर गलती से चले भी जाता है तो ठंडे पानी, साफ़ पानी से इसे धो लीजिएगा, ठीक है। बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, नुकसान की। दोस्तों, अगर इसको लगाने से आपको खुजली होती है, सिर में रेडनेस होती है या एलर्जी होती है, जलन होती है, तो आप इसे तुरंत बंद कर दीजिएगा और अपने डॉक्टर से मिलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।